हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शाली चौहान। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। और जो न्यू है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी 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 नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोग तक पहले पहुंच सके। और आज हमारे यहाँ होगी कथा, तो हम लोग बैठेंगे कथा में। और आज का ना बहुत 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 सारा काम है जिसकी वजह से मैं शायद हाथ में मोबाइल आई से लेके नहीं खड़ी हो पाऊंगी कैमरा, तो उसके लिए भाई माफी देना। जितना हो सकेगा उतना कवर अप बच्चों से करवा पाऊंगी क्योंकि मैं तो खुद कथा में बैठूंगी, ऐसा ही है यार। और गाय माता जो है सेम उनकी कंडीशन वैसे ही है। और देखो एक आपको और दिखाऊं मेरी, इनको देखो, ये पता है इतनी शैतान है जिसका कोई कहना नहीं। मैंने इसका नाम आवारा रख रखा है, आवारा। अभी देखो आवारा की, आवारा का गेम है बेटा, दिखाओ। अब नहीं दिखाएगी, आवारा का गेम है। ऐसे पता नहीं कैसे जीप को ऐसे 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 करेगी, देखो देखो डांस कर रही है। आवारा आवारा हूं मैं, उड़ता मार दिया ना तो बस तक कूद लग रही। अब ये दिखा रही है कि मैं बहुत सीधी हो गई हूँ। सीधी हो? अच्छा, बहुत सीधा है भाई, बहुत सीधी है। तो दूसरी वाली जो है वो सेम है, मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हो। और चलिए पहले मैं कथा में, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं पहले वहां जाती हूँ, खाना पीना बनना है वो बनवा लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और शायद वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो उसके लिए सॉरी, बट बच्चों से कोशिश करूंगी तो बनवा लूँ, ठीक है। तो भाई मैं इसमें बना रही हूँ बर्फी, क्योंकि ये रसगुल्ला का थोड़ा सा मतलब चाशनी रह गई थी, तो इसमें मैंने डाला है बेसन और सूजी, और ये मिक्स करके इसमें घी डाल दिया है और इसको भूनना है, और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, चाशनी वगैरह डाल के, और यम्मी यम्मी सी बनाएंगे हम बर्फी। सो आ जाइएगा आप सभी लोग, खाओ बर्फी, पहले बन जाए उसके बाद। मैंने इसमें चाशनी डाल दी है और ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो अभी फिलहाल ये थिक हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें, यहाँ रख दिए मैंने प्लेट घी लगा के, तो उसको फिर करूंगी। पहले इसको सुखा लेते हैं, इसका पानी और मतलब जो चाशनी है ये एब्जॉर्ब कर ले सूजी और बेसन, उसके फिर मिलती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ ये खाने के लिए सब लोग। बर्फी जो है हमारी वो जैसे ही बनी ना एकदम से ही चट हो गई, तो बहुत अच्छी जितनी बनी मैंने कहा आप लोगों को भी खिलाना बनता है, बच्चे लोग बहुत शैतान। तो ये जो है ये हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि बेसन लेना है हमें, सूजी लेना है, और जो हमारी चाशनी है वो, तो आई होप अच्छी, बहुत अच्छी लगी है। और आप लोग भी घर में बनाइएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, हमारे घर में तो सबको तो बहुत अच्छी लगी और बच्चों को तो बहुत 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 ज़्यादा। तो आ जाइए खा लीजिए, यम्मी यम्मी, वाओ। तो सत्यनारायण कथा जो है हमारी वो स्टार्ट हो गई है, सो आ जाइए सभी लोग और सुन लीजिए। मेरी आज्ञा से ही उनको बारंबार दुख मिल रहा है, भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे, की प्रार्थना कर रहे भगवान की, हम लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर पति के दिखाई न देने के कारण दुखी हो गई, और पति की पादुका खड़ाऊ देकर के उसने उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके स्त्री सहित वह धर्मज्ञ वैश्य बड़े वैश्य अत्यंत शोक संतप्त हो गया, शोक में डूब गए और सोचने लगे या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया, नाव का अपहरण किया है, अथवा अथवा हम सभी साथ को छोड़ दिया था और छोड़ने के कारण उसे दुख प्राप्त हुआ। एक बार वह वन में जा करके अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर बर्फ के पेड़ के नीचे बैठ गया, वहीं उसने देखा कि वो बार बार लोग बंद बांधवों के साथ संग खाओ और चाहिए बेटा कुछ
खाओ अच्छे बच्चों की तरह, पूरा फिनिश करके आना ले आओ। हाँ बेटा पानी चाहिए? अच्छा हाँ दे रहे बेटा, दे रहे भी पानी दे रहे। तो भाई पूजा हो गई थी, कन्या ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था, पा लिया था, और फिर देखो मस्ती बच्चों की, सब कन्याओं की क्या डांस कर रही हैं बच्चे। तो गाना बज रहा था, कह रहे थे हम आंटी डांस कर ले, हमने कहा कर लो उसमें क्या है। तो सब मतलब ये लोग अपना मतलब इतना अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे वो जरा सी वो छुटकुन वो तो ऐसे मटक रही थी, देखो वाइट कलर की जो जरा छोटी सी है। तो बहुत मज़ा आया और कथा भी अच्छे से हो गई। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ठीक है, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच सके, और ताकि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए मोटिवेट हो, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करोगे तो हम कैसे फिर व्लॉग बनाएंगे अच्छे अच्छे। तो थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा सभी को, वंदे भारत।